हेलो एवरीवन, जी आया नू इन सैंडीज किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी मखाना भेल। अगर आप डाइटिंग पे हैं और कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। मखाना भेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में एक चम्मच देसी घी लेंगे और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मूंगफली भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। हमें इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है कलर चेंज होने तक, ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी घी में यहाँ पे मैंने एक कटोरी मखाने लिए हैं, अब हम इनको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। मखाना रोस्ट करने में कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से क्रंची करना है। और इसको लो फ्लेम पे ही रोस्ट कीजिएगा, हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे। खाने रोस्ट हो गए हैं, हम इसे एक बार चेक करेंगे। आप इसे ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ेंगे तो देखिए ये एकदम बहुत आसानी से टूट रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो मखाने हैं वो एकदम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा इसे और रोस्ट कर लेंगे। हम फ्लेम ऑफ करेंगे। एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इन मखानों को हम इस बाउल में निकाल लेंगे और इनको 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। ये मखाने कूल डाउन हो गए हैं, इसको हाथ से टच कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। एक टमाटर, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे ये भी हम इसमें मिला देंगे। और ये यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए, ये टोटली ऑप्शन है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया की चटनी बनाई है, ये थोड़ी गाढ़ी ही रखी है, क्योंकि अगर हम ज्यादा पतली चटनी बनाएंगे तो जो इसपे मखाने में मॉइस्चर आ जाएगा। तो हम इसपे 2 चम्मच चटनी डालेंगे। अगर आपके पास धनिया की चटनी नहीं है, आप नहीं बनाना चाहते, तो जो रेडी टू ईट चिली सॉस आता है आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। बट अगर आपको ज्यादा हेल्दियर वर्जन चाहिए तो आप धनिया की चटनी ही यूज कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने मीठी सौंठ है, ये 1 चम्मच हम इसका मिला लेंगे, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। आप इसकी जगह टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी किशमिश है, ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं, आप मूंगफली डाल सकते हैं, आप कुछ चॉप्ड वेजिटेबल तेल ले सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, बॉइल्ड कॉर्न्स हो गए, जो आपको पसंद हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ और फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो चटनी है वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। गार्निश करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मीठी सौंठ और डालूंगी इसके ऊपर। और ये थोड़ा सा मेरे पास आलू भुजिया है, आप चाहें तो सेव, जो नमकीन जो भी आता है आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। और ये थोड़े से अनार लिए हैं मैंने, अनारदाने। एंड में थोड़ा सा
हरा धनिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला। तो गाइस, हमारी मखाना भेल बनके रेडी है। जब भी आपका कुछ अच्छा सा टेस्टी और हेल्दी खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।